ये बात अभी तक सभी लोगों को समझ में आ चुकी है। हैदराबाद के शहरी हमारे बहुत जागरूक हैं, बात को अच्छी तरह समझते हैं, और बहुत जब जब भी हम लोगों ने अपील किया है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आया है, उनको भी अच्छी तरह वो लोग समझते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात अब सबकी समझ में आ चुकी है कि कोविड से अगर हमको लड़ना है, हैदराबाद से कोविड को हटाना है, तो उसके लिए बेसिक प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही ये जो लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, उसके पीछे जो एक मकसद है वो भी सबको समझना चाहिए। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से कोविड के केसेस भी आप देखेंगे, किसी भी जगह पे जाके देखिए, उनमें कमी आई है, क्योंकि ये चेन को हमको ब्रेक करना है। जब ज़्यादा पब्लिक होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसके इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और सेकेंड वेव में ऑल ओवर कंट्री जो हम देख रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन भी ज़्यादा है, यानी कि रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो जिस तरीके से बखूबी ईद के दिन रहने दीजिए, बाकी के भी दिन रहने दीजिए, हैदराबाद के सभी शहरियों ने, खास तौर से जो ओल्ड सिटी के शहरियों ने हम लोगों की ताउन की है, हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया है, और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और साथ में ये फिर से अपील करता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये एकदम से कोविड की चेन को ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरीके से, आप बाकी सिटी के कंपैरिजन में देखिए, पहले से जो बेहद अहम स्टेप लिए जा चुके हैं, उसकी वजह से फिर भी हमारे यहाँ परिस्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है। और इसी के चलते मैं फिर एक बार आप लोगों की जानिब से अपील करता हूँ पब्लिक से, कि पूरी तरीके से इस लॉकडाउन का प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, और जहाँ पे 6 to 10 के बीच में भी जाते हैं तो बगैर मास्क के मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए 6 to 10 कोरोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 6 to 10 एसेंशियल सर्विसेज के लिए खोला गया है, तो उस बीच में भी मेरी जो खास तौर से जो पब्लिक से इल्तिजा है वो ये है कि 6 to 10 के बीच में भी जब भी आप मार्केट जाएं, शॉप पर जाएं, तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क भी करें। जहाँ तक है 99% पब्लिक पूरा कोऑपरेट कर रही है, और जहाँ भी जाइए आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई वायलेशंस नहीं हो रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज एग्जम्प्टेड हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो परमिटेड हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग हैं, एक आध परसेंट ऐसे हैं जो बेवजह के बहाने बना के, बेवजह के बार बार बहस करके वायलेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा इंतजार है कि वो प्लीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा ना करें। अगर वो फिर भी लगातार करेंगे एक दो बार समझाने के बाद, तो हमको उस पर कार्रवाई करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, साउथ जोन में ज़्यादा चालान नहीं मार रहे हैं, पूरे शहर भर में। जब वो भी आप देखिए कि चालान करना या किसी के ऊपर एक्शन लेना, वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद वही है जो आपका है, कोरोना को डिफीट करना, और उसमें हमारे हेल्थ ऑफिशियल की, हमारे सरकार की मदद करना। तो लेकिन फिर भी जैसा मैंने बोला कि कोई वजह नहीं है, सिर्फ कोई झूठा बहाना बना के किसी वजह के, वो भी एक एक गाड़ी पे तीन तीन लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो ऐसी हालात में आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए। तो उसको देख के फिर बाकी पब्लिक को भी गलत मैसेज जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने बाकी शहर में हो रहे हैं उसी हिसाब से साउथ जोन में हो रहे हैं, वो भी एक दो बार समझाने के बावजूद भी जब लगातार गलतियाँ हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में हमको मजबूरी में कार्रवाई करनी है।